नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके/जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा कर देखना और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 के बीच में प्रश्न सही कर लेते हो तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हो और आप आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय 30 से 35 के बीच में प्रश्न सही करके आएंगे। तो आशा करता हूं आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे चारवाक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो जो ब्यास नदी है तो इसका प्राचीन नाम था बिपाशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हम श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी किसने की थी? तो स्थापना की थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो ये गद्दी पर बैठा था कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बुड डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की थी लाला हरद्यालय ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती से डांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? तो कितने समर्थकों के साथ की थी? तो ये की थी 78 समर्थकों के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था? तो सप्तवर्षीय जो युद्ध प्रारंभ हुआ था 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो यह घटना किस ग्रह पर घटित होती है? तो यह घटना घटित होती है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूरब की मोती किसे कहा जाता है? तो पूरब की मोती किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका देश को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो सुडागर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो बर्मी कल्चर संबंधित वो केचुआ पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था? तो पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक था वो था पीएनबी बैंक, जिसे कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है चेन्नई शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये स्वतंत्र हुआ था 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ? तो कहाँ पर हुआ था विकास औद्योगिक? तो ये विकास हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दंते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1100 1968 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? तो जिंदा पीर के रूप में विख्यात थे वो थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो किसने बंद करवाया था? तो ये बंद करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियांगत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बासाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बताना है आपको। तो कौन थी? तो ये थी मरिया इसाबेल पेरोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29वां, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन हैं? तो प्रथम देश कौन है ये आपको बताना है। तो प्रथम देश है वो है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये कब मिला था? तो ये मिला था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? तो फुटबॉल कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है ये आपको बताना है। तो वो प्रथम देश है उरुग्वे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभी विश्व का फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? तो एकमात्र देश कौन है वो देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो किसे कहा? तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो डेथ वैली वो किस देश में है ये आपको बताना है। तो यह है कहाँ पर? तो यह एक देश है अमेरिका में। डेथ वैली सबसे सूखा प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग कहाँ का है? तो ये स्पेन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश है वो है प्रासा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया? तो नियमित जनगणना किसने करवाया? तो ये जनगणना करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपका कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।